और मजेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संता के होठ जले हुए थे। बंता ने पूछा, कैसे जले? संता, पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। बंता, तो? संता, खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। जज, तुम पर आरोप है कि तुमने इतने सालों से दबाकर डराकर अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आरोपी, जज साहब दरअसल। जज, अरे भाई सफाई मत दो, तरीका बताओ मुझे भी। पप्पू, सर मेरी पत्नी मेरे साथ बाहर घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, छुट्टी नहीं मिलेगी। पप्पू, शुक्रिया सर, मैं जानता था कि मुसीबत के वक्त आप मेरा जरूर साथ देंगे। डॉक्टर, आपके तीन दांत कैसे टूट गए? मरीज, पत्नी ने कड़क रोटी बनाई थी। डॉक्टर, अरे तो खाने से इनकार कर देते। मरीज, डॉक्टर साहब वही तो किया था। डैड, क्यों रो रहे हो? चिंटू, टीचर ने मारा। डैड, जरूर तुमने ही कोई गलती की होगी। चिंटू, नहीं डैड, मैं तो आराम से सो रहा था बस। चिंटू, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे इतनी सर्दी में भी गर्म पानी करके देती है। पिंटू, नहाने के लिए? चिंटू, नहीं नहीं, बर्तन धोने के लिए। नशे में दूत संता को सड़क पर लड़खड़ाते देख पुलिस वाले ने पूछा, इतनी क्यों पी रखी है? संता, मजबूरी थी साहब। पुलिस वाला, ऐसी क्या मजबूरी थी? संता, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था सर। टीचर, पप्पू ने न सिर्फ अपने पापा की मनपसंद अंगूर की बेल तोड़ दी बल्कि उसे स्वीकार भी किया। अब चिंटू तुम बताओ, पप्पू के पापा ने उसे सजा क्यों नहीं दी? चिंटू, क्योंकि पप्पू के हाथ में अब भी कुल्हाड़ी थी। पंजाबी लड़का एक सरदार से, पाजी आप रोज चेस क्यों खेलते हो? सरदार, दिमाग तेज करने के लिए। लड़का, दिमाग किस लिए तेज करते हो? सरदार, चेस खेलने के लिए। डॉक्टर, तुम रोज सुबह क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते हो? सरदार, जी आपने ही लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। सरदार को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक सरदार अपने बैंक नहीं गया क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपने को हकीकत में बदलते हैं।